वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सिक्सथ तो अभी तक हमने एल सी डी प्रोजेक्टर तक किया था ठीक है पिछले क्लास में आगे हम करेंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ टर्म यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ दी कंप्यूटर ठीक है तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा टर्म है जिसमें आप सारे इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करके रख सकते हो जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो चलेगा ठीक है वर्क करेगा द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इज़ कॉल अ प्रोग्राम जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में ठीक है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शन होता है ठीक है एक स्टेप कंप्लीट हो गया उसके बाद ही बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं ठीक है थीके? तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके कंप्यूटर में तो उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने की देने को कहते हैं प्रोग्राम ठीक है अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज फर्दर रेफर टू अ टू एस सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम मिला के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है हम एक साथ काम कर सकते हैं उन सब को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है इट इज़ अ इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच मेक्स हार्डवेयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर मैनर ठीक है तो सॉफ़्टवेयर uh, के वजह से ही जो आपका हार्डवेयर है वो अच्छे से चलता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके कंप्यूटर का जो uh, अंदर से कुछ ख़राबी है ठीक है सॉफ़्टवेयर में कुछ ख़राबी है तो वो हार्डवेयर पे दिखेगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ़्टवेयर में अगर कोई करप्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो आपको मोनिटर पर जो है क्लियरली पिक्चर्स जो है वो नहीं दिखेगा ठीक है तो सॉफ्टवेयर के वजह से ही हार्डवेयर फंक्शन करता है उसके बाद है यू शुड नो द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज बाय द अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन डब्ल्यू टर्की इन 1957 फिफ्टी सेवन ठीक है तो सॉफ्टवेयर जो वर्ड है वो फर्स्ट अमेरिकन मैथेमेटिशन ने निकाला था ठीक है उन इसको नाम दिया था सॉफ्टवेयर को और मैथेमेटिशन uh, का नाम था जॉन डब्ल्यू टर्की ठीक है और इन 1957 में इन्होंने ये नाम सॉफ्टवेयर दिया था उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर इज ब्रॉडली कैटेगराइज एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइडेड है ठीक है ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम दैट इज दैट आर डिज़ाइन टू कंट्रोल एंड यूटिलाइज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस आर कॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम uh, सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम होता है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो कंट्रोल और यूटिलाइज़ अच्छे से हो सके ठीक है और इनके कंप्यूटर के डिवाइसेस जो है वो भी अच्छे से वर्क कर सके ठीक है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर ये एक कनेक्शन है बिटवीन यूज़र जो आप यू जो यूज़ कर रहे हैं उसको एप्लीकेशन को ठीक है सॉफ्टवेयर को एक यूज़र दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर uh, एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है एक ऐप का सॉफ्टवेयर है और तीसरा हार्डवेयर जो आपका मेन जो कंप्यूटर कंप्यूटर uh, होता है ठीक है तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉरी यूज़र हार्डवेयर और एप्लीकेशन uh, सॉफ्टवेयर के बीच में जो कनेक्शन होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा ठीक है इट helps your कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन रिसोर्स सच एस memory इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ठीक है इसके हेल्प से सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज uh, कर सकते हो जैसे कि इसका मेमोरी हो गया इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया ये सब आप मैनेज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर कैटेगराइज इन टू थ्री पार्ट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ठीक है इट कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है बाहर से जो हम हम देख सकते हैं जो हम मॉनिटर को देख सकते हैं या कीबोर्ड को देख सकते हैं ठीक है जो हार्डवेयर्स है जिसको आप टच कर सकते हो देख कर देख सकते हो ठीक है उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इट प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर्स को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है ये मेन इसका काम है वेन अंप्यूटर इज स्विच ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज़ लोडड ऑन इट्स ऑन टू इट्स मेमोरी ठीक है जब आप कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले जो काम शुरू करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है वो अपनी मेमोरी को लोड करता है सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डोज विंडोज यूनिक्स लिनिक्स सोलरिस एक्सेट्रा तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है ऑपरेटिंग uh, सिस्टम का डोज ठीक है जब भी कंप्यूटर खोलते हो विंडोज़ तो सब उन्हें देखा होगा ठीक है यूनिक्स लिनिक्स ये सब आपको एग्जाम्पल दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेज प्रोसेसर फिर दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कंटेनिंग ओनली जीरोज एंड वन ठीक है कंप्यूटर में आप मशीन लैंग्वेज ही समझा सकते हो ठीक है जिसमें आप ज़ीरो और वन का यूज़ करते हो तो पहले ही बताया था ठीक है दियरफो अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कॉल लैंग्वेज प्रोसेसर लाइक आप uh, कुछ यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है कुछ भी आप वर्ड uh, लिख रहे हो कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो ठीक है उसको सबसे पहले कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज में जीरो और वन में ट्रांसलेट किया जाता है ठीक है एक ट्रांसलेटर के हेल्प uh, से ठीक है ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के हेल्प से तो वो जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर ठीक है तो लैंग्वेज प्रोसेसर का मेन यही काम है कि वो हम हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा है ठीक है उसको मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है ट्रांसलेटर का काम करता है दे आर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर तीन तरह के होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर एंड असम्बलर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ठीक है तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है आपको लैंग्वेज प्रोसेसर ठीक है लैंग्वेज प्रोसेसर को अलग से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर तो इनका क्या काम है असेंबलर इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज ये क्या काम करता है असेंबलर का ये काम है कि जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ठीक है ट्रांसलेट करता है उसके बाद है इंटरप्रेटर इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन ठीक है इंटरप्रेटर का यही काम है कि ये जो है मशीन कन्वर्स द प्रोग्राम प्रोग्राम को जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में लाइन से लाइन एक लाइन दूसरा लाइन करके ऐसे कन्वर्ट करता है द एरर हैव टू बी टू बी रेक्टिफाइड फॉर ईच लाइन बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है इंटरप्रेटर का दूसरा काम है कि जो भी अगर uh, उस प्रोग्राम में कोई भी गलती हो होगा ठीक है कोई भी ग्रामेटिकल एरर होगा कोई भी मिस्टेक uh, होगा ठीक है वो उसको ठीक करता है ठीक है उसके बाद ही वो अगले लाइन पे जाता है ठीक है एग्जाम्पल आर बेसिक एंड पाइथन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बेसिक एंड पाइथन आर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इंटरप्रेटर का ठीक है उसके बाद है कंपाइलर इट ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम टू मशीन कोड इन वन गो कंपाइलर में क्या होता है ये भी वही ट्रांसलेटर का काम करता है लेकिन ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में चेंज करता है ठीक है इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है ठीक है चेंज और कंपाइलर uh, में पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज किया जाता है द आई एरर्स आर रिपोर्टेड विथ लाइन नंबर्स एट द एंड तो जो भी अगर उसके uh, प्रोग्राम में कोई गलती हुआ होगा ठीक है तो वो एंड में सबसे एंड में लाइन नंबर देके फिर बताता है द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड अगेन आफ्टर रिमूविंग ऑल द एर फिर उसके बाद जो एरर है उसको ठीक करेंगे उसके बाद फिर से दोबारा से कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करेगा एग्जाम्पल है सी एंड सी प्लस प्लस यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सी और सी प्लस प्लस ऑफ कंपाइलर ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव यू शुड नो लेडी अ द लव लेस इज रिगार्डेड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ठीक है तो इनको सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम रिकार्ड किया गया था ओके okay, उसके बाद है द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कहते हैं सोर्स कोड एंड द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कोल्ड ऑब्जेक्ट कोड ठीक है code, जो ट्रांसलेट किया ठीक है जिस प्रोग्राम को हमने ट्रांसलेट किया उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड ठीक है नेक्स्ट है ड्राइवर्स ये हम क्या कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो थर्ड पार्ट है वो है ड्राइवर्स ठीक है द अ ड्राइवर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट द कंप्यूटर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद वेरियस हार्डवेयर डिवाइस सच्चे स्कैनर प्रिंटर पेन ड्राइव एक्सेट्रा ठीक है तो ड्राइवर का ये काम है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स होंगे ठीक है उनको कम्युनिकेट करवाएंगे इसके साथ हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ जैसे स्कैनर प्रिंटर पेन ड्राइव एक्सेट्रा ठीक है ईच हार्डवेयर डिवाइस टू बी ऑपरेशनल द सिस्टम यूजिंग द डिवाइस शुड इंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर ठीक है तो जो भी हार्डवेयर डिवाइस होगा वो सारे ऑपरेशनल होगा ठीक है और सिस्टम यूजिंग द डिवाइस शुड इंस्टॉल द डिवाइस ड्राइवर और जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सिस्टम डिवाइस ड्राइवर भी इंस्टॉल करना जरूरी होता है अडेज मनी पैराफेरल डिवाइस आर कमिंग विद प्लग एंड प्ले फीचर्स बिकॉज ऑफ विच दे कैन मेट ऑपरेशनल विदाउट एनी ड्राइवर इंस्टॉलेशन ठीक है आजकल जो डिवाइसेस हैं उनमें प्लग एंड प्ले फीचर्स होता है ठीक है प्लग करेंगे और उसके बाद जो भी इंस्टॉल करना होगा जो भी हमें हार्डवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो हम उसमें डाल सकते हैं ठीक है आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एन एप्लीकेशन सॉफ्ट इस जॉब और टास्क दैट आई यूज़र वांट्स टू डू थ्रू अ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है एक जॉब है या एक टास्क है ठीक है जिससे कि आप यूज़र ठीक है जो टास्क ता, जो है वो यूज़र जो है कंप्यूटर में कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब और एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप कोई स्पेसिफ़िक जॉब ही कर सकते हो आप सब कुछ नहीं कर सकते आप कुछ काम ही कर सकते हो ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर बताया गया है ठीक है डिवाइज uh, किया गया है पैकेज एंड यूटिलिटी में ठीक है तो पैकेज होता क्या है अ पैकेज इज़ अ computer एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम क्रिएटेड टू डू पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क तो पैकेज एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है ठीक है और इससे आप कुछ काम ही पर्टिकुलर जो काम है वो ही कर सकते हो फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया है कि एम वर्ड में सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो ठीक है आप इसमें वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वही वो जो है आप किसी डॉक्यूमेंट या कोई लेटर लिखने के लिए ही यूज़ कर सकते हो ठीक है उसके बाद है यूटिलिटी यूटिलिटी इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम टू डू रूटीन मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम और ऑन सिस्टम कॉम्पोनेंट ठीक है यूटिलिटी इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम ठीक है एक छोटा सा प्रोग्राम है टू डू रूटीन मेंटेनेंस वर्क जो रोज़ का रोज अपना मेंटेनेंस वर्क करता है सिस्टम में ठीक है फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अवर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड विन जिप इज़ यूज टू कंप्रेस फाइल एग्ज़ाम्पल के लिए एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से और विन जिप से हम फाइल्स uh, को कंप्रेस छोटा करके दिखा सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म्स अ टास्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी वो अपना टास्क करते हैं दिस इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम रिटन इन अंप्यूटर कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक है ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम के फॉर्म में देते हैं ठीक है कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड राइटिंग स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग प्लानिंग और राइटिंग स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन जो स्टेप बाई स्टेप हम स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए ठीक है तो उनको कहते हैं प्रोग्रामिंग ठीक है programming, अब द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामर जो पर्सन उसको उस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहा है उसको कहते हैं प्रोग्रामर अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव मेजर कैटेगरीज ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ठीक है सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज वन जी एल्स ठीक है फर्स्ट जनरे जनरेशन लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड आस मेड यूज़ ऑफ़ मशीन लैंग्वेज इसमें जो है मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में द यूज़ ऑफ़ मशीन लैंग्वेज स्टार्टेड इन नाइनटीन फोटीज़ ये स्टार्ट हुआ था नाइनटीन फोर्टीज़ में एंड इट कंसिस्ट ओनली जीरोज एंड वन इन में ज़ीरो और वन का यूज़ किया गया है वी ऑल्सो कॉल इट्स बाइनरी लैंग्वेज इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें दो नंबर से यूज़ किया गया है इट इज़ द लैंग्वेज दट अंडरस्टूड डायरेक्टली बाई द कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर से ये डायरेक्टली अंडरस्टूड कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है इट इज़ नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर इसमें कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है दिस मेक्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन फास्टर इससे प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता था द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज़ दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड सबसे ज़्यादा ये डिसएडवांटेज ये था इस फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का कि ये अंडरस्टूड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था लर्न करने के लिए बहुत मुश्किल होता था और लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था ऑल्सो मशीन लैंग्वेज इन मशीन डिपेंड्स ठीक है तो और मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट ठीक है तो मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन के साथ डिपेंडेंट होता था दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटर्न ऑन वन कंप्यूटर में बिहेव डिफरेंटली ऑन द अनदर कंप्यूटर तो मशीन जो है वो दोनों में अगर एक कंप्यूटर में अलग होगा तो दूसरे कंप्यूटर में अलग होगा ठीक है तो क्या होता था एक प्रोग्राम में हम एक कंप्यूटर uh, में हम एक प्रोग्राम लिखते थे ठीक है लेकिन सेम जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो दूसरे कंप्यूटर में सेम नहीं चलता था अलग हो जाता था ठीक है अलग बिहेव करने लग जाता था उसके बाद है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज टू जी एल्स द सेकेंड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज इसमें आप असेम्बली लैंग्वेज का यूज़ किया था ये स्टार्ट हुआ था इन अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज ठीक है द असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप द असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंस्ट्रक्शन कॉल मे कोड्स विच विच वे आर यूज इन प्लेस ऑफ जीरो वन तो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में ये एक छोटा सा छोटा इंस्ट्रक्शन देने लग गए थे पहले क्या होता था ज़ीरो और वन से ही कोडिंग होती थी फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आप मिनोमिनिक कोड्स यूज़ किया जाता था ठीक है ज़ीरो और वन के जगह पे द यूज़ ऑफ मिनोमिनिक मेड प्रोग्राम्स अबिट सिंपलर ठीक है प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल थोड़ा सा सिंपल हो गया था बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा सिंपल हो गया था इट इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट ये भी मशीन पे ही डिपेंडेंट होता था एंड असम्बलर इज़ नीड टू कन्वर्ट प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज इसमें क्या होता था जो हमने uh, असेंबलर पढ़ा पढ़ा था अभी ठीक है तो असम्बलर के हेल्प से जो असम्बली लैंग्वेज था उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जाता था ट्रांसलेट किया जाता था बोथ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर रिकार्डिड एज लो लेवल लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है ठीक है देन वी हैव थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विज डिजाइन टू ओवरकम द डिसडवाटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज ठीक है ये इसलिए बना था थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि जो लो लेवल लैंग्वेज में डिसएडवांटेज है उनको ओवरकम कर सके उनको ख़त्म कर सके ठीक है दिस लैंग्वेज आर यूज़र फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट ये यूज़र के लिए बहुत ईजी हो जाता था यूज़ करने के लिए ठीक है और मशीन जो है इंडिपेंडेंट था ठीक है दिस आर ऑल्सो रेफर टू एस हाई लेवल लैंग्वेज इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता था हाई लेवल लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड आर ईजी टू लर्न एंड सिंपली सिंपल टू यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ठीक है और ईजी टू लर्न याद करने के लिए और याद रखने के लिए ठीक है लर्न करने के लिए और यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी और सिम्पल हो जाता था द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज नीट अ कम्पायलर एंड इंटरप्रीटर टू कन्वर्ट देम इंटू मशीन लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी लिखा प्रोग्राम लिखा जाता था उनके लिए कंपाइलर और इंटरप्रीटर की ज़रूरत होती थी जिससे कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज किया जा सके कन्वर्ट किया जा सके सी सी प्लस प्लस क्यू बी सी कार द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है उसके बाद है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज विच आर हाईली यूज़र फ्रेंडली ठीक है तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज था ठीक है और यूज़र के लिए बहुत ईजी हो जाता था यूज़ करने के लिए वाइल प्रोग्रामिंग इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज़र नीड टू स्पेसिफाई वट आउटपुट इज रिक्वायर्ड रेदर दैन वट स्टेप आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन दैट आउटपुट तो फोर्थ जेनरेशन लैंग्वेज में क्या होता था यूज़र को uh, ये स्पेसिफ़ाई नहीं करना होता था कि आउटपुट हमें क्या चाहिए ठीक है यूज़र नीड्स टू स्पेसिफाई व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड रैदर देन अच्छा हाँ सॉरी यूज़र को ये स्पेसिफाई करना चाहिए करना होता है कि क्या आपको आउटपुट चाहिए ना कि क्या स्टेप्स आप uh, उस आउटपुट को ऑप्टेन करने के लिए ले रहे हो ठीक है एस क्यू एल पावर बिल्डर एंड रिपोर्ट बिल्डर आर एग्ज़ाम्पल ऑफ वो जनरेशन लैंग्वेज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ठीक है उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोस्ट एडवांस लैंग्वेज डिजाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट अ प्रोग्रामर ठीक है वाइल प्रोग्रामिंग इन फाइव जनरेशन लैंग्वेज अ प्रोग्रामर इनपुट्स ओनली द प्रॉब्लम एंड द सेट ऑफ कंडीशन कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ठीक है द कंप्यूटर इट्स यूजेज़ द अप्रोप्रियट लॉजिक बेस्ड ऑन द गि कंडीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रोलोक्स ऑफ स्वाइव एंड मरकूरी एट द एग्जाम्पल ऑफ फाइव जनरेशन लैंग्वेज तो फाइव जनरेशन लैंग्वेज में एडवांस लैंग्वेज यूज़ किया जाता था जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स जो है वो बताते थे ठीक है बताते हैं बताएंगे ठीक है और उसके बाद जो आ, उसको सॉल्व करने का जो काम है वो कंप्यूटर करेगा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कंप्यूटर करेगा ठीक है एग्जाम्पल uh, के लिए प्रोलॉग ऑप्स फाइव और मर्क्यूरी जो है वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल दिया गया है ठीक है इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज थैंक यू सो मच